तो हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप लोग अपनी पीडीएफ फाइल को कैसे एडिट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है पीडीएफ फाइल को एडिट करना। तो कैसे आपको करनी है, जैसे कि मैंने यहां पर एक पीडीएफ ले ली है, मान लीजिए आपकी काफ़ी बड़ी पीडीएफ है तब भी आप एडिट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको छोटा सा प्रोसेस करके दिखाऊँगा, जिसमें आपको सिर्फ ये डेट, आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर 2020 है। मान लीजिए आप पूरी डेट चेंज करना चाहते तो पूरी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ईयर चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो अब वो कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ विदाउट सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग अपना गूगल क्रोम ओपन कर लोगे, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पीडीएफ एडिट ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही सर्च किया, सर्च करने के बाद जो भी आपकी जो फर्स्ट वेबसाइट नज़र आ रही है ईजी टू यूज़, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब जो फाइल हमें एडिट करनी है वो हमें यहाँ पर लाके ड्रैग करनी है। तो सबसे पहले हम उस फाइल को ले लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारी फ़ाइल है, मैं यहाँ पर जाके इसको ड्रैग कर देता हूँ। इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ पर कुछ ही टाइम के बाद ये अपलोड हो जाएगी। तो अब हमें करना है इसको चेंजेस। तो मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चेंजेस वाला, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब मुझे यहाँ पर नज़र आ जाता है चेंजेस वाला ऑप्शन। तो सिंपली मैं इसे हटा के यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो आपको इसी तरीके से एडिट कर लेना है अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2020 की जगह 2021 दे दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। आपकी कितनी भी बड़ी फाइल हो, हर एक फाइल को आप बिल्कुल आसानी से एडिट कर पाएंगे। अब मैं दूसरी फाइल को ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपको दूसरी फाइल मिलेगी, तो इस फाइल को भी आपको एडिट कर लेना है और अप्लाई चेंजेस। तो रिमूव करना चाहते हैं लेकिन मैं इसको कीप करना चाहता हूँ, यही रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कीप पे क्लिक करता हूँ। योर टास्क इज़ प्रोसेसिंग, तो सिंपली मैं इसे डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने डाउनलोडिंग पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अदरवाइज़ मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पीडीएफ फाइल थी वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं इसे अब ओपन भी करके दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल दिखा भी देता हूँ कि मैंने किस तरीके से आपको डेट जो चेंज की है वो किस तरीके से नज़र आती है आपके सामने। सबसे पहले मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ जो मैंने चेंजेस किए हैं। तो देखिएगा मैं इस फाइल को ओपन करने जा रहा हूँ, और देखिएगा यहाँ पर जो 2020 था मैंने 2021 कर दिया। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है 2021, आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं दूसरी फाइल भी दिखा देता हूँ आपको। दूसरी फाइल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिया है। अब मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ जिसमें मैं जो मैंने एडिट की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा अभी भी 2020 लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोग पीडीएफ को एडिट कर सकते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहूँ। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।